हे गाइस, दिस इज़ अज़ीम एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। सो इस वीडियो में हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पर हम कैसे जाएंगे, या फिर एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर हम कैसे नेविगेट कर सकते हैं। तो यार, यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाले हैं इंटेंट का कॉन्सेप्ट, और वही इस पूरी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंटेंट क्या होता है, कैसे आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, और कैसे आप एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पर जंप कर सकते हो। प्रीवियस वीडियो में हम यहाँ पर देख चुके हैं कि जो हमारी कॉटलिन फाइल थी और एक लेआउट फाइल थी, उन दोनों को आपस में कनेक्ट कैसे करते हैं, और फाइंड यूबी आईडी का यूज़ कैसे करते हैं, एंड हम बटन पर क्लिक लिसनर कैसे लगाते हैं, एंड एक टोस्ट कैसे शो करते हैं। तो यार, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप जाकर वीडियो को देख लीजिए। और ये जो कोड लिखा हुआ है, ये उसी प्रोजेक्ट का कोड है, करेक्ट। सो हम इसी प्रोजेक्ट को यहाँ पर कंटिन्यू करने वाले हैं, एंड यहाँ पर ही हम बटन क्लिक पर, अभी एक टोस्ट शो हो रहा था, तो अब हम क्या करेंगे, बटन क्लिक पर एक एक्टिविटी को ओपन कर देंगे। तो चलिए गाइस, बिना देरी का फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, अब हम यहाँ पर समझते हैं इंटेंट इन एंड्रॉयड, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक से समझते हैं। लेट से गाइस, आपके पास दो स्क्रीन है, यानी कि आपने एक ऐप बनाया है कि जिसमें दो स्क्रीन है, एक है आपकी प्रोडक्ट स्क्रीन और है एक आपकी प्रोडक्ट डिटेल स्क्रीन, करेक्ट। तो यार, प्रोडक्ट स्क्रीन है जिसको मैंने नाम दिया प्रोडक्ट एक्टिविटी, तो इसके ऊपर आपके ये काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे जीन्स, टी शर्ट, बेल्ट, कुर्ता, सूट एंड शूज़, ये काफ़ी सारे आपके पास प्रोडक्ट हैं। अब गाइज, आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि जैसे मैं जीन्स पर क्लिक करता हूँ तो मेरी एक दूसरी स्क्रीन ओपन हो कि जिसके ऊपर इस जीन्स की डिटेल हो, समझ रहे हो। तो मैं चाहता हूँ कि ये एक एक्टिविटी, प्रोडक्ट एक्टिविटी है, इसके ऊपर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो प्रोडक्ट डिटेल एक्टिविटी ओपन हो जाए, करेक्ट। सो इस चीज़ को अचीव हम करेंगे कैसे। सो इस चीज़ को अचीव करने के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है एंड्रॉयड में इंटेंट का। सो इंटेंट की हेल्प से हम ये सिनेरियो अचीव कर सकते हैं, यानी कि एक एक्टिविटी से अगर दूसरी एक्टिविटी पर आपको जंप करना है या नेविगेट करना है, सो यू कैन यूज़ द इंटेंट। तो यार, इंटेंट को इम्प्लीमेंट करना बहुत ही ईजी है। इसके दो रिक्वायरमेंट हैं। सबसे पहले तो आपको डिसाइड करना होगा कि आपको स्टार्ट डेस्टिनेशन आपका क्या है और एंड डेस्टिनेशन क्या है, यानी कि आपको कहाँ से कहाँ पर जाना है। सो हमारे केस में स्टार्ट डेस्टिनेशन प्रोडक्ट एक्टिविटी है, और एंड डेस्टिनेशन क्या है इसका, प्रोडक्ट डिटेल एक्टिविटी। सो हमें यहाँ से यहाँ पर जाना है, तो पहली रिक्वायरमेंट तो ये क्लियर हो गई है। अब दूसरी रिक्वायरमेंट इंटेंट को बनाने के लिए क्या होती है, कि क्या डेटा आपको भेजना है। ये मैंडेटरी नहीं है, ये वाली जो सेकंड रिक्वायरमेंट है मैंडेटरी नहीं है, नॉट मैंडेटरी, ठीक है। अगर आपको कोई डेटा नहीं भेजना है, या खाली मतलब कोई दूसरी एक्टिविटी ओपन करानी है, तो आप वो भी कर सकते हैं, उसमें आपको डेटा नहीं भेजना है। तो सेकंड रिक्वायरमेंट हमारी आपकी, क्या डेटा भेजना है डेस्टिनेशन को। तो हमारे केस में क्या है कि जैसे मैं अगर जीन्स पर क्लिक करूँगा तो जो जीन्स की इमेज है, जो उसका टाइटल है और जो जीन्स का डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, तो वो चीज़ हमारी यहाँ पर आ जाएगी, समझ रहे हो। तो जैसे मैं जीन्स पर क्लिक करूँगा, मेरी एक एक्टिविटी खुलेगी और जीन्स का डेटा वो मेरा इस स्क्रीन पर आ जाएगा। तो इस चीज़ को, जो ये डेटा जा रहा है ना यहाँ से एक्टिविटी ए से एक्टिविटी बी पर, तो ये जा रहा है किसकी हेल्प से, इंटेंट की हेल्प से। तो अगर आपको डेटा ट्रांसफ़र करना है एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पर, या एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर, तो आप इंटेंट का यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि एक एक्टिविटी से अगर आप दूसरी एक्टिविटी पर जाना चाहते हो लेकिन डेटा नहीं भेजना चाह रहे हो उसमें, तो तब भी आप इंटेंट बना सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें। इतनी बात हम समझ चुके हैं। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं यूज़ केस ऑफ इंटेंट। सो इंटेंट का यूज़ केस और क्या क्या होता है, यानी कि एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पर जाने के लिए हमें समझ आ गया कि हम इंटेंट कर लेंगे, लेकिन इसके अलावा भी यूज़ केस होते हैं इसके कुछ। तो हाँ गाइस, इसके अलावा भी काफ़ी सारे यूज़ केस होते हैं। सो पहला इसका यूज़ केस है कम्युनिकेशन बिटवीन एक्टिविटी, एक्टिविटी के बीच में अगर आपको कम्युनिकेशन करना है उसके लिए यूज़ होगी। दूसरी चीज़ का स्टार्ट ए सर्विस। अब सर्विस क्या होती है, सर्विस बेसिकली होती है गाइस आपके कुछ लॉन्ग रनिंग ऑपरेशंस हैं, ठीक है, यानी कि आप कुछ API कॉल वगैरह कर रहे हो, या फिर आप कुछ फाइल्स को डाउनलोड कर रहे हो, या फिर कोई आप म्यूज़िक प्लेयर चला रहे हो, तो यानी कि जो भी हैवी टास्क होते हैं वो आप सर्विस की हेल्प से अचीव करते हो, ठीक है। सो सर्विस को स्टार्ट करने के लिए आप किसका यूज़ करते हो, इंटेंट का। एक आता है ओपन ए वेब URL, तो हम एक कोई वेबसाइट अगर है तो हम उस वेबसाइट को भी ओपन कर सकते हैं। मतलब गाइज, मेरे पास एक ऐप है, उस ऐप के अंदर कोई मेरा एक बटन है, अगर मैं चाहता हूँ कि उस बटन पर क्लिक करने पर मेरी एक वेबसाइट ओपन हो जाए ब्राउज़र के अंदर, तो उस चीज़ को भी हम इंटेंट की हेल्प से अचीव कर सकते हैं, ठीक है। और फिर एक है हमारा शेयर डेटा बिटवीन ऐप्स। तो यार, अगर मेरे पास दो ऐप्स हैं, लेट से एक मेरा ऐप है कोट ऐप, या फिर कोई भी एक ऐप है जिसके अंदर इमेजेस वगैरह हैं, और मैं चाहता हूँ कि मैं एक ऐप से कुछ इमेज दूसरा ऐप में शेयर करना चाहता हूँ, लेट से व्हाट्सअप पर शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है, तो वो भी हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटेंट। एंड एक आता है हमारे पास ब्रॉडकास्ट अ मैसेज। सो ब्रॉडकास्ट अ मैसेज से मतलब क्या है कि अगर आपको कोई एक मैसेज भेजना है तो यार आप वो भी कर सकते हो इसके अंदर। बाकी ब्रॉडकास्ट के और भी काफ़ी सारे मीनिंग होते हैं एंड्रॉयड में, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर मतलब है, फिलहाल मैं इसको लिख देता हूँ, लेट्स से सेंड अ मैसेज।
अगर आपको लेट से किसी मोबाइल नंबर पर कोई मैसेज सेंड करना है मैनुअली किसी बटन क्लिक पर, तो आप वो चीज़ यहाँ पर कर सकते हो। और एक चीज़ हमारे पास और होती है, लाइक ब्रॉडकास्ट रिसीवर होता है हमारे पास, एक ब्रॉडकास्ट रिसीवर, तो इसके अंदर भी हम इंटेंट का यूज़ करते हैं, लेकिन वो हम बाद में देखेंगे कि ब्रॉडकास्ट रिसीवर क्या होता है और हम कैसे इंटेंट का वहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यही काम होता है कि आपको एक्टिविटी, एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पर जाना है, कोई सर्विस स्टार्ट करनी है, डेटा को शेयर करना है, कोई या कोई मैसेज वगैरह सेंड करना है, तो उस केस में आप इंटेंट का यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ इंटेंट। इंटेंट के कितने टाइप्स होते हैं? तो यार इंटेंट भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है इम्प्लिसिट इंटेंट और एक होता है हमारा एक्सप्लिसिट इंटेंट। और इसको हमने इस तरह से डिवाइड किया है सिर्फ एक बेस पर, अगर आपको अपने ऐप के अंदर कम्युनिकेशन करना है, यानी कि ऐप के जो कंपोनेंट होते हैं, एक्टिविटी होती है, सर्विसेज होती हैं, ठीक है, या फिर कोई ब्रॉडकास्ट रिसीवर होता है, उसके बीच में कुछ कम्युनिकेशन करना है, तो तब आप एक्सप्लिसिट इंटेंट का यूज़ करोगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई ऐप से, यानी कि अपने ऐप से किसी दूसरे बाहर वाले ऐप से कम्युनिकेशन मेंटेन करना है, तो आप उस केस में इम्प्लिसिट इंटेंट का यूज़ करोगे। थोड़ा सुनने में ये अपोजिट लग रहा है, फिर दोबारा से बताता हूँ। एक्सप्लिसिट उसको बोलते हैं कि अगर हम इंटर ऐप कम्युनिकेशन करना है, सॉरी इंटर ऐप नहीं, मतलब ऐप के अंदर ही कम्युनिकेशन करना है, ठीक है, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट इंटेंट। एंड अगर हमें एक ऐप से दूसरे ऐप में कम्युनिकेशन करना है, या फिर कोई URL को ओपन करना है, या फिर लेट्स से मेरे पास एक ऐसा सिनेरियो है कि अगर मैं किसी एक बटन पर क्लिक करता हूँ, तो जैसे मैं क्लिक करूँ तो गूगल मैप ओपन हो और उस पर एक करंट यूज़र की हमारी लोकेशन पॉइंट हो जाए, तो उस चीज़ को भी हम इंटेंट की हेल्प से अचीव कर सकते हैं, लेकिन वो हम करेंगे इम्प्लिसिट इंटेंट की हेल्प से, क्योंकि वो आउटसाइड द ऐप कम्युनिकेशन हो रहा है। सो बेसिक आइडिया आपको एक मिल गया होगा। और बाकी गाइज ये जो डायग्रामेटिक फाइल है, इसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं फॉर मोर क्लैरिटी। ठीक है, सो अभी थ्योरी तो काफ़ी हो गई, अब हम बात कर लेते हैं इम्प्लीमेंटेशन की। तो गाइज इस तरह का हमने यहाँ पर ये UI बनाया था प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, ये हमारा लॉगिन फॉर्म है, तो लॉगिन पर क्लिक करने पर हमें क्या दिखता है, एक टोस्ट दिखता है। ठीक है, सही है। अब गाइज मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि जैसे मैं लॉगिन बटन पर क्लिक करूँ तो मेरी एक दूसरी स्क्रीन ओपन हो जाए। सो सबसे पहले यहाँ पर हम एक दूसरी स्क्रीन क्रिएट कर लेते हैं, दूसरी एक्टिविटी बनाते हैं। यहाँ पर दोबारा से बताता हूँ, पैकेज में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे न्यू एंड एक्टिविटी, देन यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे एम्प्टी व्यू एक्टिविटी। ठीक है, इसका नेम यहाँ पर दूंगा होम एक्टिविटी। ठीक है, ठीक है, सो ये हमारी होम एक्टिविटी क्रिएट हो गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और इसका लेआउट भी हमारे पास आ चुका है, activity_home.xml। ठीक है, तो अब हमें स्टार्ट करनी है अपनी होम एक्टिविटी, तो हम यहाँ पर यूज़ करने वाले इंटेंट का। तो इंटेंट को हम सबसे पहले एक इंटेंट का ऑब्जेक्ट बना लेंगे, वेल इंटेंट इक्वल टू, इंटेंट हमारी एक क्लास होती है। ठीक है, अब इसके कंस्ट्रक्टर में हम दो चीज़ पास करेंगे, एक स्टार्ट डेस्टिनेशन और एक एंड डेस्टिनेशन। सो स्टार्ट डेस्टिनेशन क्या है, यानी कि जो हमारी करंट एक्टिविटी है, करंट एक्टिविटी क्या है, हमारी मेन एक्टिविटी। तो मेन एक्टिविटी को रेफ़र करने के लिए हम लिख सकते हैं दिस, एंड डेस्टिनेशन एक्टिविटी हमारी क्या है, तो वो है हमारी होम एक्टिविटी, और यहाँ पर हम लगाएंगे डबल कॉलन देन क्लास डॉट जावा। ठीक है, और इंटेंट तो अब हमारा बन चुका है। सो अब यहाँ पर एक मेथड होता है स्टार्ट एक्टिविटी, जो कि एक्टिविटी को स्टार्ट करने का काम करता है, और इसके अंदर हम क्या पास कर देंगे, इंटेंट। सिर्फ इतना सा हमें दो लाइन का कोड लिखना है, ठीक है, और हमारी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। तो चलते हैं, इसे रन करते हैं फटाफट से। परफेक्ट, सो यहाँ पर ऐप मेरा बिल्ड हो चुका है, और लॉगिन पर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो क्या होगा, हमारी दूसरी एक्टिविटी ओपन हो गई है। ये बेसिकली गाइस दूसरी एक्टिविटी है, अब ये ब्लैंक नज़र आ रही है आपको, ठीक है, और आपको एक टोस्ट भी दिखा था, लेकिन टोस्ट में क्या था, डेटा आपका कुछ नहीं था, क्योंकि हमने यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड में कुछ नहीं डाला है, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू क्या मिली, एम्प्टी मिली है। सही है, नहीं है, अभी हमने कुछ वैलिडेशन वगैरह लगा रखी है कि जब तक ये फिल नहीं होंगे तब तक हमारा बटन क्लिक नहीं होगा, ऐसी हमने अभी तक कुछ वैलिडेशन नहीं लगा रखी है। ठीक है, अभी ये सिंपल एक डेमो मैंने आपको बताया कि हम किस तरह से चीज़ें कर रहे हैं, तो बेसिक अभी हम स्टेप बाई स्टेप चीज़ें कर रहे हैं, देन हम धीरे धीरे चीज़ों को समझेंगे और काफ़ी एडवांस चीज़ हम बनाएंगे। सो अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं यहाँ से अपने जो ईमेल है उस ईमेल को पास करूँ, और वो जो ईमेल है मेरी वो होम एक्टिविटी पर जाकर रिफ्लेक्ट हो, यानी कि जो दूसरी स्क्रीन थी
उस स्क्रीन पर जाकर मेरी ईमेल दिखे। तो सबसे पहले मैं काम कर लेता हूँ, होम एक्टिविटी पर जाता हूँ, इसके लेआउट में एक्टिविटी होम अंडरस्कोर एक्सएमएल में, और यहाँ पर बना देता हूँ इसको लीनियर लेआउट, ठीक है। और इसमें बना लेता हूँ मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट व्यू, मैच पेरेंट, रैप कंटेंट, इसको मैं आईडी देता हूँ एक ईटी अंडरस्कोर, ये होगा टीवी अंडरस्कोर ईमेल, क्योंकि गाइस टेक्स्ट व्यू है तो यहाँ पर मैं लिखूँगा टीवी अंडरस्कोर ईमेल। एंड यहाँ पर फॉन्ट फैमिलीज की दूंगा मैं न्यू निटो मीडियम, टेक्स्ट साइज 30 dpi, ठीक है। और यहाँ पर मार्जिन मैं दूंगा चारों तरफ से इसके 20 dpi, और ग्रेविटी दूंगा इसको, ग्रेविटी इसे नहीं देता, लेआउट को दे देते हैं ग्रेविटी सेंटर, ये सेंटर में आ गई। एक टेक्स्ट दिखा देते हैं यहाँ पर कैसा लगता है अजीम, ठीक है। तो इस तरह से आपका टेक्स्ट दिख जाएगा। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर टेक्स्ट को इसे हटा दूँगा, ठीक। और यहाँ पर मैं कैसे दिखाऊँगा, टेक्स्ट टूल्स टेक्स्ट, लेट्स एडमिन एट द रेट gmail.com, ठीक है। तो गाइस ये जो टूल्स वाला टेक्स्ट है और जो हमारा ये एंड्रॉयड वाला टेक्स्ट होता है, इसमें डिफरेंस क्या है? तो यार डिफरेंस ये है कि जो हमारा टूल्स वाला टेक्स्ट होता है तो ये सिर्फ हमें प्रीव्यू में दिखता है, एक्चुअल ऐप में ये नहीं दिखेगा। मतलब ये टेक्स्ट जो लिखा हुआ है ना, ये नहीं दिखेगा, लेकिन अगर हम यहाँ पर कर देंगे तो ये चीज़ हमें वहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी। तो हम क्या चाहते हैं, हम ये वाला हार्ड कोडेड वाला दिखाना नहीं चाहते ऐप के अंदर, हम दिखाना चाहते हैं कि जो हमारे पीछे से आएगा, यानी कि जो हमारी लॉगिन एक्टिविटी से आएगा, ठीक है। तो वो वाला हम चाहते हैं, तो इसकी वजह से ये हार्ड कोड वाला मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। अब मैं चलता हूँ गाइस अपनी मेन एक्टिविटी में, मैं यहाँ पर पास करता हूँ अब डेटा, सो इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा। अब इसके अंदर गाइस हमें एक तो नेम पास करना होता है और एक वैल्यू। सो नेम बेसिकली वो होता है जब आप उसे की बोल सकते हैं, यानी कि जिस की पर आप अपना डेटा स्टोर करना चाहते हो या फिर जिस एड्रेस पर। तो एक तरह से मैं यहाँ पर की का नाम दूंगा ईमेल, ठीक। की का नेम होगा मेरा ईमेल, और सेकंड पैरामीटर क्या होगा, वो हमारा ये स्ट्रिंग होगा, क्योंकि हमें क्या भेजना है, कि स्ट्रिंग भेजनी है। तो सेकंड पैरामीटर हम क्या डालेंगे यहाँ पर, जो भी हमारा ईमेल आएगा, जो भी यूज़र ईमेल टाइप करेगा वो ईमेल हम इसमें भेजना चाहते हैं। तो उसके लिए पहले काम कर लेंगे यहाँ पर वैल ईमेल टेक्स्ट इक्वल टू etmail डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। अगर गाइस हम गेट टेक्स्ट को देखेंगे, बैक जाता हूँ, अब जैसे ही मैं यहाँ पर डॉट लगाता हूँ, टेक्स्ट लिखता हूँ, तो आप देख रहे होंगे कि ये जो टेक्स्ट है ये एडिटेबल रिटर्न कर देगा, मतलब ये स्ट्रिंग रिटर्न नहीं करता। तो टेक्स्ट एडिटेबल मिला हमें। अब हम यहाँ पर करेंगे इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट टू स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये मिल गया हमें ईमेल टेक्स्ट, और यहाँ पर हम ईमेल टेक्स्ट को इसमें पास कर देंगे, परफेक्ट। और ये इंटेंट हमारे पास हो जाएगा स्टार्ट एक्टिविटी में। अब यहाँ से तो डेटा पास हो गया, लेकिन होम एक्टिविटी में डेटा को निकालना भी तो पड़ेगा ना। तो यहाँ पर भी सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे वेल और ईमेल टेक्स्ट इक्वल टू इंटेंट। जावा में होता था हमारे पास ये मेथड गेट इंटेंट के नेम से, लेकिन कॉटलिन में खाली होता है इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, और यहाँ पर हम डालेंगे अपनी की का नेम। तो की हमारी क्या थी, ईमेल, यहाँ पर हम डाल देंगे ईमेल। एंड अब हम यहाँ पर करेंगे अपने जो हमारा व्यू था ना, जो हमने होम एक्टिविटी के लेआउट में अपना व्यू बनाया था, ये टीवी ईमेल, इसको टाइपकास्ट करेंगे, मतलब इस व्यू को एक्सेस करेंगे अपनी कॉटलिन फाइल में। तो यहाँ पर हम लिखते हैं फाइंड यू बाई आई डी टेक्स्ट व्यू आर डॉट आई डी डॉट टी वी ई मेल, सही है। इसको स्टोर करा लेंगे एक वेरिएबल में टी वी ई मेल के नेम से, ठीक है। और अब यहाँ पर हम सेट करा देंगे इसको टी वी ई मेल डॉट टेक्स्ट। गाइज अगर आपको किसी व्यू से, यानी कि जो टेक्स्ट व्यू हो गया या फिर एडिट टेक्स्ट हो गया, उससे कुछ आपको निकालना है टेक्स्ट या फिर कुछ डालना है, तो यहाँ पर आपके पास मेथड एक ही होता है टेक्स्ट। यहाँ पर हम कर देंगे ईमेल टेक्स्ट, ठीक है।
तो ये हमारा इसमें जो ईमेल का ये जो व्यू है ना, ये वाला जो व्यू, इसमें हमारा टेक्स्ट सेट हो जाएगा। कौन सा टेक्स्ट? जो कि हमारा पीछे से आ रहा है। सही है। अब इसको एक बार फटाफट से रन करके देखते हैं। यहाँ पर मैं डालता हूँ zoom@gmail.com एंड यहाँ पर नेट से ये डाल दिया मैंने कुछ भी पासवर्ड। लॉगिन पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, ग्रेट। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये मुझे यहाँ पर अपना ईमेल मिल चुका है। यहाँ पर आपको दोबारा से लिख कर दिखाता हूँ, hello@gmail.com। ठीक है, यहाँ पर लॉगिन करता हूँ। परफेक्ट। सो यहाँ पर हमें ये मिल चुका है। तो इस तरह से आप अपना डेटा दूसरी स्क्रीन पर पास कर सकते हो। तो यार इस वीडियो में इतना ही। यहाँ पर हमने सारी चीज़ देख ली है, इंटेंट होता क्या है, काम कैसे करता है, और इंटेंट्स की हेल्प से हम एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पर कैसे स्विच कर सकते हैं और अपने डेटा को कैसे शेयर कर सकते हैं। सो आई होप गाइज आपकी समझ में आया होगा कि हम कैसे इसमें काम करते हैं। गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्लीज़ गाइज नोटिफिकेशन आइकन को यार प्रेस कर दो जितने भी वीडियोज़ आएंगी इसकी, ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।